नमस्कार, मैं विजय। आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने पूरा भारत लगभग पैदल करके नाप लिया था। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यह यात्रा ना सिर्फ राहुल गांधी के अंदर गांधी के बसने की एक यात्रा थी, बल्कि राजनीतिक शुरुआत के रूप में यह पहली ऐसी यात्रा थी जब राहुल गांधी ने पैदल चलते हुए माटी की भाषा को और वहां के लोगों की समस्या को बिल्कुल करीब से देखा। राजकुमार वाला टैग यहां से तो गायब हुआ ही, उनके साथ साथ मुद्दों की समझ और राहुल के प्रति लोगों को सोचने और समझने का नजरिया बदलने का यह पूरा का पूरा एक मौका बना। भारत जोड़ो यात्रा के बाद 5 राज्यों के चुनाव में अलग अलग तरीके से राहुल गांधी का आकलन किया गया। यह देखा और दिखाया गया कि 3 राज्यों से कांग्रेस पूरी तरीके से साफ हो गई, लेकिन यह बताने की कोशिश शायद की गई कि तेलंगाना में कांग्रेस ने इतिहास रच दिया। हम ऐसी बातें इसलिए कर रहे हैं कि हम कांग्रेस पार्टी के हिमायती नहीं है, लेकिन हम यह बताना चाहते हैं कि आकलन दो तरफा सही होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आज की देश दिन में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और ऐसी पार्टी कार्यकर्ताओं से पूरी तरीके से लवरेज है। गांव देहात हर चौखट पर मोदी जी की योजना से लेकर इनकी अपनी डबल इंजन सरकार की योजनाएं जा रही हैं। जहां इनकी सरकार नहीं थी वहां भ्रष्टाचार पूरी तरीके से सब्जेक्ट और परसेप्शन का मुद्दा बना और बनाया गया है। हम वही देखते और दिखाए जा रहे हैं। लेकिन अब दूसरी बार ऐसा हो रहा है जब मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र की पूरी यात्रा को राहुल गांधी प्लान कर रहे हैं और इसका नाम भारत जोड़ो यात्रा की बजाय भारत न्याय यात्रा है। ये जो न्याय शब्द है ये बहुतों को खटकेगा और यकीन मानिए कि मणिपुर में रोते बिलखते हर उस आदमी के साथ यह कांग्रेस को सीधा जोड़ेगा या राहुल गांधी को सीधा जोड़ने का काम करेगा जो तिरस्कृत हुए हैं। देश की अपनी मुख्य धारा में रहते हुए भी इस तरीके से बिल्कुल दरकिनार कर दिए गए मणिपुर के लोगों के लिए यह भारत न्याय यात्रा एक विश्वव्यापी संदेश जरूर खड़ा करेगी और इसमें दूसरा संदेश राहुल गांधी के साथ एक बड़े राजनेता के रूप में उभरने का मौका भी देगा। चुना अच्छा है, पूरब से पश्चिम तक की इस यात्रा में 14 राज्य, 14 जनवरी से शुरू होकर यह पूरी की पूरी यात्रा 20 मार्च को जाकर खत्म होगी और इस पूरे दौरान 6200 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी पैदल करेंगे। खबर के बीच बीच में हम देखेंगे सुनेंगे कि कभी स्कूटी से जा रहे हैं, कभी स्कूटर से, कभी गाड़ी से, लेकिन यकीन मानिए कि राहुल गांधी हर किलोमीटर का पायदान पैदल चलकर तय कर रहे थे और यह सब जानते हैं। बहरहाल राजनीति से इतर हटकर यह अच्छी बात है कि आज के युग में जब लोग ड्रोन से खेती सींचने की बात कर रहे हैं, जब ड्रोन से युद्ध हो रहा है और जब रॉकेट और चंद्रयान की बात हो रही है, उस समय भारत का कोई एक युवा नेता पैदल चलकर यह सीखने और समझने की और संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि भारत में अभी कुछ कमी तो रह गई है। भले ही वो 70 साल के कांग्रेस के शासन काल में ना हुआ हो या अब तक के 10 साल में मोदी जी ना कर पाए हो, क्योंकि लगभग 10वां साल पूरा हो जाएगा। अब चुनाव बिल्कुल दहलीज पर है, 3-4 महीने के बाद चुनावी मुनादी पूरी तरीके से जोरों पर होगी और भारतीय जनता पार्टी जैसा अब तक 3-4 तरह की कैंपेन को देशव्यापी तरीके से चला रही है, चाहे वो राम मंदिर मुद्दे को बेचने का अपना तरीका अच्छा की तरीके से हो या फिर विकसित भारत यात्रा के जरिए मोदी जी की योजनाओं को घर घर पहुंचाना है, जहां कांग्रेस और इंडिया गठबंधन फेल होते हैं क्योंकि अभी वो टिकट और बाकी लड़ाइयों में लड़ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की यह यात्रा कांग्रेस के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है, क्योंकि मणिपुर से निकलते हुए यह यात्रा हर उन राज्यों को छुएगी जहां भारतीय जनता पार्टी थोड़ी कमजोर है, क्षेत्रीय पार्टियां लड़ रही हैं। यहां हो सकता है कि इंडिया गठबंधन से अलग हटकर के भी कांग्रेस को ज्यादा फायदा मिले। कांग्रेस की यह पूरी की पूरी यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं और यह राहुल गांधी की ही यात्रा होगी। कांग्रेस राहुल गांधी के पीछे चल रही है और अगर कांग्रेस और हर कार्यकर्ता राहुल गांधी के पीछे इस भारत न्याय यात्रा का हिस्सा बनेगा तो यकीनन कांग्रेस के लिए लोगों का नजरिया और बदलेगा। मणिपुर से मुंबई तक जाते हुए ना जाने राहुल गांधी कितने संदेश और कितने छापे छोड़ जाएंगे। यह सब घोषणा करते हुए
जयराम रमेश ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6,200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर में शुरुआत होगी और यह समाप्त होगी मुंबई में। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल जी ने 3 मुद्दे उठाए थे। आर्थिक विषमताओं के बारे में उन्होंने जिक्र किया, सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में उन्होंने बातचीत की, और राजनीतिक तानाशाही जो आज हमारे देश में हकीकत बन गई है उसके बारे में जनता को अवगत कराया। तो ये 3 बड़े मुद्दे थे भारत जोड़ो यात्रा के समय में। उन्होंने अपनी आवाज बढ़ती हुई आर्थिक विषमताओं के बारे में, बढ़ती हुई सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में और बढ़ती हुई राजनीतिक तानाशाही के बारे में उन्होंने अपने विचार जनता के बीच में रखा। वो मन की बात नहीं थी, वो जनता की चिंता थी। लोगों से सुनने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया था। अब ये यात्रा दूसरे चरण में भारत न्याय यात्रा है। आर्थिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और राजनीतिक न्याय के लिए। लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, महंगाई और बेरोजगारी से करोड़ों परिवार जो पीड़ित हैं उनको एक नया भविष्य, उज्जवल भविष्य दिखाना है, और फिर से जो समाज को बांटा जा रहा है समाज को बांटने की प्रक्रिया शुरू करनी है। तो पहले भारत जोड़ो यात्रा भारत को जोड़ने के लिए, और अब भारत न्याय यात्रा ताकि लोगों में हम आश्वासन देंगे कांग्रेस पार्टी की ओर से, राहुल गांधी जी की ओर से, कि कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है लोगों को, आम जनता को आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय पूर्ण तरीके से उपलब्ध हो। तो यही है पृष्ठभूमि। अब आपको खेल समझ में आ गया होगा। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी भारत न्याय यात्रा के नाम से ही पहले गुरेज करे, और अगर वाकई भारत न्याय यात्रा उतनी सफल होती है जितनी भारत जोड़ो यात्रा, तो लोकसभा के आंकड़े में कुछ नंबर कांग्रेस के बढ़ेंगे। देखते रहिए, जुड़े रहिए, लाइक शेयर कमेंट करना ना। नमस्कार।